राजवंश पढ़ने वाले हम लोग, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अब देखो पहले यहां एक बात समझो, फिर पहले समझ लो कुछ चीजें हैं कॉमन। अभी पढ़ाई प्रारंभ नहीं करे, अभी तो कॉमन चीजें समझा रहे हैं। एक शब्द तो आया है यहां पर गुर्जर, एक शब्द आया है प्रतिहार, एक शब्द आया है यहां पर गुर्जर। ये पीछे नजर आ रहा है सब लोगों को? पीछे नजर आ रहा है? बोर्ड चेंज करूं? नजर आ रहा है ना? थोड़ा सा और बड़ा लिख देंगे फिर प्रोजेक्टर चालू हो जाएगा आपके। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, एक शब्द आया गुर्जर, एक शब्द आया प्रतिहार। अब यहां ध्यान से समझना, एक शब्द है गुर्जरात्र। बताओ कौन सा क्षेत्र ऐसा था हिंदुस्तान में जिसे गुर्जरात्र कहा जाता था? कौन सा क्षेत्र ऐसा था हिंदुस्तान में जिसे गुर्जरात्र कहा जाता था? है जी, भाई गुजरात का मतलब तो गुजरात को ही कहेंगे। अरे गुजरात को ही कहेंगे ना, तो मध्य राजपूताना, उसमें भी मंडोर और आसपास का क्षेत्र। ये गुजरात्र कहलाता था। यहां गुजरात्र का मतलब गुजरात नहीं है, मंडोर है ना जोधपुर के, पहले जोधपुर तो बाद में बसा, बहुत कालखंड बाद 1459 में राव जोधा ने जोधपुर आया था और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये तो मध्य राजपूताना का भाग, जिसमें वर्तमान जोधपुर, बीकानेर का पूर्वी भाग, हमारे जो ये जैसलमेर का उत्तरी भाग, नागौर पूरा क्षेत्र, मेड़ता वाला क्षेत्र है नागौर का, ये वाला भाग, सिवाना वाला क्षेत्र, सोजत वाला क्षेत्र, ये सब वाला जो क्षेत्र था, ये मिलकर उस कालखंड में गुर्जरात्र कहलाता था। गुर्जरात्र इसलिए कहलाता था, और जिस कालखंड में मंडोर और उसके आसपास का क्षेत्र गुर्जरात्र कहलाता था, उस कालखंड में वर्तमान गुजरात सौराष्ट्र कहलाता था। उस समय गुजरात को तो क्या कहते थे, वो समझते ही नहीं थे गुजरात क्या है। वो तो जब यहां पर अरबों के आक्रमण हुए, राजस्थान के, वर्तमान राजस्थान के गुर्जरात्र क्षेत्र में जब अरबों के आक्रमण हुए, तो ये लोग पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर गुजरात क्षेत्र में चले गए, तो उन्होंने उस क्षेत्र को गुजरात कहना प्रारंभ कर दिया। बाकी जिस कालखंड में मंडोर और उसके आसपास के क्षेत्र को राजस्थान में गुर्जरात्र के नाम से जाना जाता था, उस कालखंड में वर्तमान गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। और उस गुर्जरात्र क्षेत्र से संबंधित होने के कारण ये क्या कहलाए, गुर्जर कहलाए। एक देखो आप, उत्तर भारत हमेशा बदलता रहा, दक्षिण भारत हमेशा एक जैसा रहा, एक जैसे रहा ना दक्षिण भारत। तो ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ये उत्तर भारत का पश्चिमी, ये हमेशा सातवीं से बारहवीं शताब्दी तक ये प्रतिहार राजवंश का रहा। चौहान, गुहिल, राठौर सब उनके सामंत थे। ये वाला जो क्षेत्र रहा दक्षिण में, ये था राष्ट्रकूटों का क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र रहा पूर्व में, ये था पाल राजवंश, और ये उत्तर में गंगा यमुना के मैदान का क्षेत्र था, ये था कन्नौज। अब यहां मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि दक्षिण के राष्ट्रकूट, उत्तर पश्चिम के प्रतिहार और पूर्व के पाल के मध्य आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक कन्नौज पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ।
जिसे इतिहास में त्रिगुट संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जो प्रतिहार शासक वत्स राज के काल से प्रारंभ हुआ था, हम उसको पढ़ेंगे वहां पर। इस त्रिगुट संघर्ष में ये लोग बार बार उत्तर भारत आते रहे। कौन लोग बार बार उत्तर भारत आते रहे? तो इनका सर्वाधिक जो सामना हुआ तत्कालीन उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की सबसे शक्तिशाली शक्ति गुर्जर प्रतिहार के साथ इनका संघर्ष हुआ। किनके साथ हुआ था इनका संघर्ष? गुर्जर प्रतिहार। तो इन लोगों ने इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में समय समय पर कुछ न कुछ ये लिखते रहे। कौन लिखते रहे? राष्ट्रकूट लोग लिखते रहे। तो अब गुर्जरात्र क्षेत्र से संबंधित होने के कारण ये गुर्जर कहलाए। वहीं पर देखिए आप, राष्ट्रकूट जो थे, अब ये तो समझ गए ना आप, राष्ट्रकूट राजवंश कहां था? दक्षिण में। राष्ट्रकूट राजवंश जो था, इस राष्ट्रकूट राजवंश के ताम्रपत्र हैं कुछ। ताम्रपत्र पिछले प्राचीन काल में और पूर्व मध्य काल में शासक अपने साम्राज्य में किसी को कोई अधिकार देता था तो अधिकार के रूप में वर्तमान में तो अपन स्टाम्प लिखाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं ना, उस कालखंड में ताम्रपत्र दिए जाते थे और राज्य की नीतियों के लिए शिलालेख लिखवाए जाते थे जो सम्राट अशोक ने प्रारंभ किए थे। तो राष्ट्रकूट शासकों के ताम्रपत्र मिले हैं। उनमें से एक ताम्रपत्र है जिसका नाम है संजन ताम्रपत्र। एक ताम्रपत्र है जिसका नाम है राधनपुर ताम्रपत्र। संजन ताम्रपत्र, राधनपुर ताम्रपत्र। और ये संजन ताम्रपत्र, राधनपुर ताम्रपत्र एक है एक, अभी नाम देव गले में अटक गया, अभी मैं बता देता हूं। और एक और इनके शिलालेख राष्ट्रकूट शासकों के, चार शिलालेख है। देवली शिलालेख, करहाड़ शिलालेख, करहाड़ एक जगह का नाम था और देवली, देवली जानते हो आप, देवली का नाम जानते हो ना, तो देवली शिलालेख, करहाड़ शिलालेख, और देखो ये नाम गले में अटक रहे हैं। ये तो ताम्रपत्र राष्ट्रकूट शासकों के, ये शिलालेख राष्ट्रकूट शासकों के। इनमें गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर जाति का माना गया है। अब यहां दो बातें आपकी क्लियर होती है। गुर्जर शब्द जो बना है, गुर्जर जो शब्द बना है, वो गुर्जरात्र क्षेत्र से संबंधित होने के कारण बना है और राष्ट्रकूट शासकों के ताम्रपत्र एवं अभिलेखों के अनुसार वो गुर्जर जाति के थे, इसलिए गुर्जर बना है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो था, ये गुर्जर जाति से संबंधित था, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया था। और कुछ इतिहासकार कहते कि नहीं, गुर्जरात्र क्षेत्र से संबंधित था, इसलिए गुर्जर कहलाए। अब राष्ट्रकूट शासकों के ताम्रपत्र और राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेखों के अनुसार गुर्जर प्रतिहार राजवंश कौन थे? कौन थे वो? गुर्जर जाति के थे। और अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर प्रतिहार में गुर्जर शब्द किससे बना था? क्योंकि ये कहां के रहने वाले थे? मध्य राजपुताना के रहने। तो गुर्जर शब्द की उत्पत्ति से संबंधित ये दो बातें आती है। एक तो ये ताम्रपत्र और अभिलेख है और एक ये गुजरात क्षेत्र है। ये तो किससे संबंधित हो गया? केवल शब्द कौन सा है, लेकिन हम तो केवल गुर्जर नहीं चाहते, साथ में प्रतिहार भी होना चाहिए। अब देखो यहां ध्यान से आप, गुर्जर प्रतिहार, इसमें शब्द आया है प्रतिहार।
प्रतिहार शब्द आया। देखो आप, ये गुर्जर प्रतिहार जो थे, इस प्रतिहार शब्द के जो अर्थ होते हैं पर्यावाची, वो होते हैं रक्षक, वो होता है प्रहरी, वो होता है द्वारपाल। ये प्रतिहार शब्द के जो है वो पर्यावाची हैं। प्रतिहार शब्द के पर्यावाची है रक्षक, प्रहरी अथवा द्वारपाल। प्रतिहार शब्द के ये पर्यावाची शब्द है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था, जिनका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज को पढ़ेंगे हम लोग, सबसे विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला, या ये मानो कि प्राचीन भारत का अंतिम सबसे महान शासक यही हुआ है मिहिर भोज। चक्रवर्ती सम्राट की तरह था ये। इन मिहिर भोज की एक ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? और मिहिर भोज अपनी ग्वालियर प्रशस्ति में लिखते हैं कि हम गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो भगवान राम के वंशज, यानी कि इक्ष्वाकु कुल के रघुवंशी क्षत्रिय हैं। इक्ष्वाकु कुल के रघुवंशी क्षत्रिय हैं। यहां राम के वंशज का मतलब है राम के भाई लक्ष्मण के वंशज। राम के भाई कौन थे? और लक्ष्मण ने अपने संपूर्ण जीवन काल में भगवान श्री राम के लिए प्रतिहार का काम किया है, भगवान श्री राम के लिए रक्षक का ही काम किया है, भगवान श्री राम के लिए प्रहरी का काम किया है, भगवान श्री राम के लिए द्वारपाल का काम किया है। तो प्रतिहार राजवंश भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे, और चूंकि लक्ष्मण ने संपूर्ण जीवन काल में राम के लिए प्रतिहार का काम किया है, इसलिए लक्ष्मण के वंशज होने के कारण ये क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए। इससे पहले हमें जानना होता प्रतिहार का मतलब क्या है। प्रतिहार का क्या मतलब है? रक्षक। प्रतिहार का और क्या मतलब? प्रहरी। और प्रतिहार का और क्या मतलब है? द्वारपाल। और ये किसके वंशज माने जाते हैं? कौन कहता है ऐसा? ग्वालियर प्रशस्ति में कौन कहता है? तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार लक्ष्मण यानी राम के वंशज थे, इक्ष्वाकु कुल के रघुवंशी क्षत्रिय थे, और चूंकि राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे, और लक्ष्मण ने पूरे जीवन काल में भगवान श्री राम के लिए रक्षक का, प्रहरी का, द्वारपाल का काम किया, इसलिए उनके वंशज प्रतिहार कहलाए। गुर्जरात्र क्षेत्र से संबंधित थे, इसलिए गुर्जर, सज्जन, राष्ट्रकूट ताम्रपत्र और राष्ट्रकूट अभिलेखों के अनुसार गुजर जाति से संबंधित थे, इसलिए गुजर, और गुजरात क्षेत्र से संबंधित थे, इसलिए गुजर। तो दो धारणाएं तो गुजर शब्द को लेकर है, और प्रतिहार को लेकर एक धारणा तो यह है। आगे की धारणा देखो आप, ये जो गुजर प्रतिहार थे, इन गुजर प्रतिहार ने, यह भारत की सीमांत प्रांत था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणों से प्रतिहार राजवंश ने भारत की रक्षा की। ये भारत की उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रहरी थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सीमांत प्रांत के प्रहरी थे, सीमांत प्रांत के द्वारपाल थे, सीमांत प्रांत के रक्षक थे। सीमांत प्रांत की 8वीं से 12वीं शताब्दी तक प्रतिहार राजवंश ने रक्षा की, और सीमांत प्रांत के द्वारपाल होने के कारण, द्वारपाल का एक पर्यायवाची क्या होता है? तो यह वंश प्रतिहार वंश कहलाया। एक धारणा यह मानी जाती है। पहली धारणा यह है कि वंशज लक्ष्मण ने राम के लिए प्रतिहार का काम किया, तो यह वंश प्रतिहार वंश कहलाया।
भारत की उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अरब आक्रमणों से रक्षा की चार शताब्दियों तक भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के रक्षक होने के कारण ये राजवंश जो है ये प्रतिहार कहलाया, द्वारपाल होने के कारण प्रतिहार कहलाया। एक धारणा ये है, एक धारणा और है इसके बारे में, हिस्टोरिकल है, प्रामाणिक है और यही हमारी परीक्षाओं में आती भी है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ऐसा है जिसकी जिसका इतिहास प्रारंभ करने से पहले उसकी शब्द की व्याख्या करनी होती है। चौहान शब्द की व्याख्या नहीं करनी होती है, गुहिल की व्याख्या नहीं करनी होती, राठौड़ों की व्याख्या नहीं करनी होती कि राठौड़ कैसे बना। गुहिल में तो चलो हम कह देते वो गुहा में उसकी परवरिश हुई तो उससे वजह से गुहिल बना, सिसोदा गांव से संबंधित है तो सिसोदिया कहलाए, लेकिन चौहान राठौड़ परमार ये नहीं कहलाते होंगे। यहां इनकी व्याख्या होती शब्द की। एक और शब्द को आप, राष्ट्रकूट शासक थे एक, और राष्ट्रकूट शासक का नाम था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट शासक कौन थे? इन दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक का एक ताम्रपत्र था जिसका नाम था संजन ताम्रपत्र। संजन स्थान का नाम है, वहां से मिला तो यह संजन ताम्रपत्र कहलाया, गुजरात में वर्तमान में। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र मिला है। देखिए ध्यान से समझना आप, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र मिला है। इस ताम्रपत्र के अनुसार राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पुत्र प्राप्ति के लिए अवंती का मतलब वर्तमान उज्जैन, अवंती यानी उज्जैन में एक यज्ञ किया था जिसका नाम था हिरण्यगर्भ यज्ञ, और इस हिरण्यगर्भ यज्ञ का रक्षक नागभट्ट प्रथम को नियुक्त किया था। नागभट्ट प्रथम को समन था उस समय। राष्ट्रकूट शासक हुआ एक जिसका नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का एक ताम्रपत्र है जिसका नाम है संजन ताम्रपत्र। इस संजन ताम्रपत्र में अमोघ वर्ष लिखते हैं कि हमारे वंश के आदि पुरुष यानी दंती दुर्ग ने उज्जैनी में यानी अवंती में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। वेदों में इस यज्ञ का विधान है। इस यज्ञ का रक्षक, इस यज्ञ का प्रहरी और इस यज्ञ का द्वारपाल नागभट्ट प्रथम को नियुक्त किया गया। अब दंती दुर्ग तो हिरण्यगर्भ यज्ञ करके दक्षिण चले गए, अवंती नागभट्ट को दे गए यानी अपने द्वारपाल को दे गए, अपने प्रतिहार को दे गए। तब से यह वंश प्रतिहार वंश कहलाने लगा। गुर्जर कहलाने के पीछे दो कारण, गुर्जरात क्षेत्र से संबंधित होने के कारण या राष्ट्रकूट शासकों के ताम्रपत्र और अभिलेखों के अनुसार वो गुर्जर जाति से संबंधित, इसलिए गुर्जर शब्द के प्रति दो धारणाएं, प्रतिहार ये कहलाए उसके प्रति तीन धारणाएं। पहली धारणा, ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे और लक्ष्मण ने अपनी पूरी जिंदगी में राम के लिए प्रतिहार यानी द्वारपाल का काम किया तो इनके वंशज प्रतिहार कहलाए, और इसकी जानकारी मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है, और इसको गोपीनाथ शर्मा, गौरी शंकर ओझा, दशरथ शर्मा ये सब मानते भी हैं। आगे लिखा जाता है कि ये वंश जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के द्वारपाल थे, सीमांत प्रांत के रक्षक थे, सीमांत प्रांत के प्रहरी थे, इसलिए इनको क्या कहा गया। एक और आते इसमें धारणा, वो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र में, कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए उज्जैन यानी अवंती में जो हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया था उसका द्वारपाल प्रतिहार था नागभट्ट प्रथम, इसलिए उसके वंशज प्रतिहार कहलाए। तो दो धारणाएं तो है गुजर शब्द से संबंधित और तीन धारणा है प्रतिहार से संबंधित। इन सबके सम्मिलित रूप से या इन तीनों में से किसी एक की वजह से ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश कहलाया। जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसे हमें उत्तर इसका देना होता है। तो लिखो आप,
गुर्जर प्रतिहार राजवंश, लेकिन आप गुर्जरात क्षेत्र से संबंधित होने के कारण ये गुर्जर कहलाए। लिखो आप राष्ट्रकूट शासकों के संजन ताम्रपत्र बड़ौदा ताम्रपत्र एवं माने ताम्रपत्र राष्ट्रकूट शासक शासकों के संजन ताम्रपत्र बड़ौदा ताम्रपत्र एवं माने ताम्रपत्र तथा राधनपुर अभिलेख देवली अभिलेख राधनपुर अभिलेख देवली अभिलेख करहाड़ अभिलेख एवं नीलगुंड अभिलेख के अनुसार ये गुर्जर जाति के थे। इसलिए गुर्जर प्रतिहार कहलाए। गुर्जर जाति के थे इसलिए गुर्जर प्रतिहार कहलाए ना। दो अलग अलग बातें आ गई है। राष्ट्रकूट शासकों के ताम्रपत्र, संजन ताम्रपत्र, बड़ौदा ताम्रपत्र और माने ताम्रपत्र, तीन तो ताम्रपत्र इनको गुर्जर जाति का मानते हैं। तीनों ही ताम्रपत्र राष्ट्रकूटों के थे, क्योंकि उनका संघर्ष जिससे हुआ था उनके बारे में उन्होंने लिखा कि मेरा जिससे संघर्ष हुआ वो कौन था। जैसे राम का रावण से संघर्ष हुआ तो वाल्मीकि ने लिखा रावण महान पंडित भी था, ज्ञानी था, लोक विजेता था, भगवान शिव का बड़ा भक्त था। ये बातें उनके बारे में लिखी उन्होंने, जबकि वो राम के बारे में लिख रहे थे। तो तीन तो ताम्रपत्र और चार अभिलेखों में, राष्ट्रकूट शासकों के तीन तो ताम्रपत्रों में और चार अभिलेखों में इन्हें गुर्जर जाति का बताया गया है। उनमें से नीलगुण, राधनपुर, देवली और करहाट अभिलेख और तीन ताम्रपत्र, इनमें इनको बताया गया कि ये गुर्जर जाति के थे, इसलिए ये जो है गुर्जर प्रतिहार कहलाया। ये तो हो गया किससे संबंधित अपनी दो बातें। ये बातें तो किससे संबंधित होगी, गुर्जर से संबंधित होगी। आगे लिखो आप, प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक, प्रहरी,
एवं द्वारपाल, रक्षक, प्रहरी एवं द्वारपाल। प्रतिहार का शाब्दिक होता अर्थ होता है रक्षक, प्रहरी एवं द्वारपाल। लिखो आप मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे। ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे। तथा इक्ष्वाकु कुल के रघुवंशी क्षत्रिय थे। इक्ष्वाकु कुल के रघुवंशी क्षत्रिय थे। इक्ष्वाकु कुल के रघुवंशी क्षत्रिय थे। लिखो आप श्री लक्ष्मण ने श्री राम के लिए, श्री लक्ष्मण ने श्री राम के लिए जीवन पर्यंत प्रतिहार का कार्य किया। इसलिए इस वंश को प्रतिहार राजवंश कहा गया। नेक्स्ट लिखो आप ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इस राजवंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत की उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से अरब आक्रमणों से रक्षा की अर्थात ये राजवंश भारत के सीमांत प्रांत का द्वारपाल था। इसलिए इसे गुर्जर नहीं इसलिए इसे प्रतिहार राजवंश कहा गया। नेक्स्ट लिखो आप
लेवाब राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र के अनुसार, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र के अनुसार, संजन ताम्रपत्र के अनुसार दंती दुर्ग ने, दंती दुर्ग नाम था व्यक्ति का, शासक थे ये, राष्ट्रकूटों के संस्थापक माने जाते हैं, दंती दुर्ग ने पुत्र प्राप्ति के लिए, दंती दुर्ग ने पुत्र प्राप्ति के लिए, दंती दुर्ग ने पुत्र प्राप्ति के लिए अवंती में, अवंती का मतलब क्वेश्चन कितना, उज्जैनी में, पुत्र प्राप्ति के लिए अवंती यानी उज्जैनी में, अवंती में अर्थात उज्जैनी में, अवंती अर्थात उज्जैनी में हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था, हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था, हिरण्य गर्भ यज्ञ किया गया था। इस यज्ञ का रक्षक अर्थात प्रहरी, इस यज्ञ का रक्षक अर्थात प्रहरी नागभट्ट प्रथम को नियुक्त किया गया था, इस यज्ञ का रक्षक अर्थात प्रहरी नागभट्ट प्रथम को नियुक्त किया गया था। इसलिए ये राजवंश, इसलिए यह राजवंश प्रतिहार कहलाया, इसलिए राजवंश प्रतिहार कहलाया। अब दो शब्दों से मिलकर यह राजवंश बना है, एक तो गुर्जर से और एक प्रतिहार से। इन दो शब्दों में इन्हें गुर्जर क्यों कहा गया आपके समझ में आया? अरे इन्हें गुर्जर क्यों कहा गया समझ में आया क्या आगे? और इन्हें प्रतिहार क्यों कहा गया समझ में आया? प्रश्न पूछे जाओगे उत्तर दे दोगे आप? इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे उत्तर दे दोगे आप? कौन कौन नहीं दे पाएंगे इसके उत्तर? यही बातें, पांच बातें गुर्जर प्रतिहार राजवंश की, शब्द से संबंधित, शब्द की उत्पत्ति से संबंधित, राजवंश की उत्पत्ति की बातें तो अब करेंगे हम लोग। शब्द से उत्पत्ति से संबंधित ये दो बातें, इन दो, इन पांच बातों के कारण गुर्जर प्रतिहार शब्द बने हैं। और पांचों बातें अपने को पता होनी चाहिए, एक साथ एक किताब में मिलती नहीं है बातें। ये यूनिट आप यहां पढ़ लो मिशन में, आप गुर्जर प्रतिहार राजवंश, राजस्थान के इतिहास में कर्नल जेम्स टॉड, गौरी शंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर दशरथ शर्मा, राजस्थान राज्य लेखा अधिकार, जोधपुर की पुस्तकें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, इन सात प्रकार के स्रोतों से जो आप पढ़ोगे वो सब आपको एक साथ यही मिल जाएगा और यही समझ जाओगे आप। सात नाम लिए मैंने, सातों को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, नोबडीज कैन चैलेंज, राजस्थान इतिहास के ये ऑथेंटिक सोर्स है। इन सातों से संबंधित बातें एक साथ आपको यहां पर टू दी पॉइंट मिल जाएगी। और चूंकि गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान ने पढ़ा कम जाता है, पढ़ाया कम जाता है और लिखा कम जाता है और लिखाया कम जाता है, इसलिए ये राजवंश पढ़ने के बाद आपकी स्थिति बाकी की कोचिंगों में टीचर बनकर पढ़ाने जैसी हो जानी चाहिए, उस लेवल का पढ़ना है आपको इसे। तो और प्रश्न आते हैं इससे संबंधित परीक्षाओं में। अब चंद वरदाई, नाम सुना है कभी चंद वरदाई का? इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है ये राजस्थानी भाषा साहित्य की पिंगल शैली का ग्रंथ है।
अब यहां मौखिक रूप में एक बात समझ लो, राजस्थानी भाषा साहित्य की वह शैली जिस पर मारवाड़ी भाषा का प्रभाव पड़ा वो डिंगल शैली के नाम से जानी जाती है। राजस्थानी भाषा साहित्य की वह शैली जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा वो पिंगल शैली के नाम से जानी जाती है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य जो चारणों के द्वारा रचित है, जो भाटों के द्वारा रचित है, वो अधिकांश साहित्य डिंगल शैली का है, लेकिन कुछ साहित्य जो है वो पिंगल शैली में भी लिखा गया है, जिनमें पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल्ल के द्वारा रचित बिसलदेव रासो, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित वंश भास्कर, ये पिंगल शैली के श्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें से हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? चंद बरदाई की। कौन सी शैली में है? और ये जो पृथ्वीराज रासो रचना है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन रचना है पिंगल शैली का पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई लिखते हैं कि वर्तमान माउंट आबू क्षेत्र में ऋषियों की कर्म भूमि थी, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने उसे संतों का शिखर भी कहा है, गुरु शिखर को। लेकिन उस कालखंड में कुछ अपराधिक तत्व, कुछ राक्षस के लोग, कुछ पापी और कुछ अन्यायी लोग ऋषियों को, संतों को उनके धार्मिक कार्य करने नहीं देते थे। यज्ञ में हड्डियां डाल देते, मानव खून रक्त डाल देते, गोमांस डाल देते थे, तो उनके धर्म और उनकी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे थे। तब सभी ऋषियों ने मिलकर गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की। किनसे प्रार्थना की गई? वशिष्ठ से प्रार्थना की कि कैसे भी करके इन राक्षसों के जो पाप कर्म है, जो अन्याय के कर्म है, जिससे हमारी धर्म और संस्कृति के कर्म कांड प्रभावित हो रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाओ। तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया, एक यज्ञ किया गया माउंट आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा। यह यज्ञ किसके द्वारा हुआ था? कहां पर किया गया था? माउंट आबू में किया गया, माउंट आबू में यह यज्ञ हुआ था। और इस यज्ञ की वेदी से चार योद्धाओं की उत्पत्ति हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, यही क्रम है इनका। पहले तो इन तीनों को उत्पन्न किया और राक्षसों के विरुद्ध छोड़ दिया। इन तीनों योद्धाओं ने जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जो बड़े और बलशाली राक्षस थे वो फिर भी पराजित नहीं हुए। फिर गुरु वशिष्ठ के द्वारा उस यज्ञ को लगातार प्रारंभ की रखा गया और उसे एक सबसे बड़े महान योद्धा की उत्पत्ति हुई, सबसे आखिरी में, और वो था चौहान राजवंश। ये इन चार राजवंशों की उत्पत्ति का अग्नि कुंड का सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अग्नि कुंड का सिद्धांत कहलाता है। अब चल रहा है, इसे अग्नि कुंड का मत कहा जाता है। किसने दिया था? किसमें दिया था? यज्ञ कहां हुआ था और कितने राजवंश का उदय हुआ? सबसे पहले कौन हुए, फिर कौन हुए, फिर कौन हुए, और सबसे आखिरी में महान कौन हुआ? इसे इन चार राजवंशों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत कहते हैं? कौन सा सिद्धांत कहते हैं? अग्नि कुंड का सिद्धांत इसे कहा जाता है। ये रचना जो है वो चंद बरदाई की है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की पिंगल शैली की। सबसे पहले प्रतिहार निकले इस यज्ञ से, इसके बाद निकले परमार, फिर निकले इस यज्ञ की वेदी से चालुक्य, चालुक्यों का उदय हुआ इस राजवंश। अब इन तीनों ने लगभग 70% राक्षसों का अंत कर दिया,
पापियों का अंत कर दिया, धरती को अन्याय से मुक्त कर दिया, लेकिन सारे नहीं हुए। फिर एक महान योद्धा को उत्पन्न किया गया और वो था चौहान। इस राजवंश की उदय का ये अग्निकुंड का मत कहलाता है। लिखो आप, लिखो आप, चंदवरदाई के द्वारा रचित। अभी तो केवल नाम की पृष्ठभूमि समझ रहे हैं हम, अभी इतिहास तो प्रारंभ ही नहीं हुआ है। चंदवरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंदवरदाई रचित पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुरु वशिष्ठ के द्वारा, गुरु वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर्वत पर, गुरु वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर्वत पर ऋषियों की प्रार्थना पर यज्ञ किया गया था। ऋषियों की प्रार्थना पर यज्ञ किया गया था। ऋषियों की प्रार्थना पर यज्ञ किया गया था। इस यज्ञ से चार योद्धाओं की उत्पत्ति हुई थी। इस यज्ञ से चार योद्धाओं की उत्पत्ति हुई थी। प्रतिहार, परमार, चालू, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहान। देखो आप, इन चार राजवंशों की उत्पत्ति का, इन चार राजवंशों की उत्पत्ति का, इन चार राजवंशों की उत्पत्ति का ये अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। इन चार राजवंशों की उत्पत्ति का ये अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। चार राजवंशों की उत्पत्ति का ये अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। लिखो, नोट डालकर एक बात, नोट डालकर एक बात लिखो, संदर्भ में नोट डाल के लिखना, यानी इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन ये यहां पता होनी चाहिए। लिखो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो राजस्थानी भाषा साहित्य का, पृथ्वीराज रासो राजस्थानी भाषा साहित्य का पिंगल शैली का ग्रंथ है। पिंगल शैली का क्वेश्चन लिख देना, ब्रज भाषा से प्रभावित राजस्थानी भाषा साहित्य का पिंगल शैली का ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा साहित्य की कौन सी शैली का ग्रंथ है ये? पिंगल शैली। पिंगल शैली का मतलब कौन सी भाषा का प्रभाव है? ब्रज भाषा का प्रभाव है। अब देखो यहां पर एक बात, कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं हम लोग? गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ रहे हैं हम लोग। एक बंगाल के शासक हुए हैं, बादामी कहा जाता था बंगाल को, बंगाल के शासक थे पुलकेशियन द्वितीय। कहां के शासक थे ये? बादामी के। और ये पुलकेशियन द्वितीय जो थे चालुक्य वंश के थे। कौन से वंश के थे ये? चालुक्य वंश का।
कौन शासक था? हर्षवर्धन का भी समकालीन था ये पुलकेशन द्वितीय। इन पुलकेशन द्वितीय की एक प्रशस्ति है जिसका नाम है एहोल प्रशस्ति। इसके रचनाकार है रवि कीर्ति जैन। इस प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? इस प्रशस्ति में सर्वप्रथम इस राजवंश की अभिलेखिक जानकारी मिलती है। प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति की जानकारी किसमें मिलती है? प्रतिहार राजस्व में। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति की जानकारी किसमें मिलती है? पृथ्वीराज किसकी रचना है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश की प्रथम अभिलेखिक जानकारी किसमें मिलती है? किसकी है ये? कौन से वंश के थे? उत्कीर्णकर्ता कौन है? और किस राजवंश की अभिलेखिक जानकारी मिलती है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश की अभिलेखिक जानकारी मिलती है। एक चीनी यात्री था, उसे विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और उसका नाम था वेनसांग। कौन था वो? वेनसांग। चाइनी था ये राजस्थान में दो जगह आया था, एक तो भीनमाल आया था और एक ये बैराट आया था, विराटनगर। दो जगह राजस्थान में आया था। इसे ये जो हेनसांग है, इस हेनसांग को विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने एक ग्रंथ लिखा है भारत की यात्रा का वर्णन, उसका नाम है सीयू की। और ये सीयू की पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें हेनसांग के द्वारा, ये पहला विदेशी ग्रंथ है, पहला विदेशी स्रोत है। ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, बहुत धर्म की शिक्षा लेने के लिए भारत आया था। उस समय जब ये बैराट आया होगा, मध्य राजपूताना में आया होगा, तो उसने इस क्षेत्र में शासन करने वाली एक बड़ी क्षत्रिय जाति का उल्लेख किया है और उन्हें जूर्ज कहा है। क्या कहा है उन्हें? जैसे भीनमाल को पिली मोलो कहा है, उन्हें जूर्ज कहा है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम विदेशी जानकारी हमें मिलती है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सर्वप्रथम उत्पत्ति की जानकारी किसमें मिलती है? पृथ्वीराज राजस्व में। प्रथम अभिलेखिक जानकारी किसमें मिलती है? एहोल प्रशस्ति में। प्रथम विदेशी स्रोत में जानकारी किसमें मिलती है? पृथ्वीराज राजस्व किसकी रचना है? एहोल प्रशस्ति किसकी है? उत्कीर्णकर्ता कौन है? सीयू की किसकी रचना है? राजस्थान में कहां कहां आया? भीनमाल और बैराट आया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम साहित्यिक जानकारी उत्पत्ति की, प्रथम अभिलेखिक जानकारी, प्रथम विदेशी जानकारी सीयू की। फिर एक बार पूछता हूं मैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति की जानकारी किसमें मिलती है? पृथ्वीराज। प्रथम अभिलेखिक जानकारी किसे मिलती है? प्रथम भी विदेशी स्रोत में जानकारी किसे मिलती? पृथ्वीराज राजस्व किसकी रचना है? एहोल प्रशस्ति किसकी है? एहोल प्रशस्ति किसकी है? और सीयू की किसकी रचना है? हेनसांग की रचना है। हाँ जी सुधीर।